कुछ दिन आगे जब दार्जिलिंग की भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्टा दार्जिलिंग आए थे, उस समय उन्होंने एसके लाइव से बातचीत करते हुए कहा था कि गोरखाओं की जो 11 जनजाति की मांग है, वो मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के अंदर पूर्ण कर देगी। जैसे ही सांसद ने यह बात कह दी, उसके बाद पहाड़ की विपक्षी दलों के नेताओं ने बिष्टा की उस बात को लेकर आलोचना करने लगे। सांसद बिष्टा के उस बयान को डॉक्टर हरका बहादुर छेत्री, अमर लामा, एसपी शर्मा जैसे नेताओं ने आलोचना किया और कहा उन लोगों ने यह सिर्फ भाजपा 2024 के चुनाव के गोरखाओं के वोट को फिर से एक बार अपने पक्ष में बनाने के लिए एक नई राजनीतिक भाजपा ने गोरखाओं के साथ शुरू की है। दरअसल भाजपा ने आज तक गोरखाओं को केवल आश्वासन ही दिया है और बहुत समय आगे से आश्वासन देते ही आ रहे हैं। कुछ न कुछ नए नए मुद्दे को आगे रखकर हर समय चुनाव के ठीक आगे भाजपा गोरखा को आश्वासन देते हैं। भाजपा की इसी आश्वासन के ऊपर विश्वास करके आज तक गोरखाओं ने भाजपा को हर चुनाव में मतदान देकर जिताते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक भाजपा ने गोरखाओं के मुद्दे पर छोटा सा भी काम नहीं किया है। कुछ समय आगे भारत के केंद्र सरकार ने भारत के 4 राज्य के समुदाय को जनजाति की मान्यता दी, लेकिन उसमें भारतीय गोरखाओं की 11 जनजाति के ऊपर कुछ हो नहीं पाया। इसी घटनाओं को लेकर इधर भाजपा के ऊपर विपक्षी दलों के नेताओं ने आक्रोश भी निकाला था। लोकसभा में सांसद बिष्टा ने सदन में भारतीय गोरखा को 11 जनजाति को दर्जा दिलाने की बात उठाई है और भारतीय गोरखा समुदाय को 11 जनजाति के दर्जा देने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करने की अपील भी सांसद ने की है। इधर भाजपा के करशांग के विधायक बीपी बजगाई गोरखा की स्थायी राजनीतिक समाधान के रूप में अलग राज्य की मांग में लगे हुए हैं। इधर अगर विमल गुरंग की बात करें तो वह भी अभी गोरखालैंड के लिए सेमिनार कर रहे हैं और इस सेमिनार के बदले पहाड़ के हर विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति के बीच में फिर एक बार सांसद बिष्टा ने गोरखाओं को 11 जाति की जनजाति को दर्जा दिलाने के लिए सदन में आवाज उठा रहे हैं और सांसद बिष्टा ने जो बयान एसके लाइव के अंतर्वार्ता में दिया था कि 2024 के अंदर गोरखाओं जनजाति के दर्जा मिल जाएगा, सच में अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पहाड़ की राजनीति में भाजपा के हावी होने की बहुत ज्यादा संभावना है और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा सीधा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी अगर भाजपा की यह पुराना खेल आश्वासन तक ही सीमित रहा या एक रणनीति है तो इस 11 जनजाति को भूल भलैया में गोरखा को इधर उधर भटका के लोकसभा चुनाव में गोरखाओं के वोट अपने पक्ष में खींचने का यह खेल भाजपा के लिए पहाड़ में इस बार कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ के गोरखाओं ने भाजपा को पहले से ही भरोसा करके 15 साल और 3 सांसद और 2 विधायक दे चुके हैं। बदले में भाजपा ने आज तक गोरखाओं को केवल आश्वासन ही दे रखा है। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट सेवक रोड नियर पायल सिनेमा सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। समस्या है तो समाधान भी है और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। समय में हो हर काम तभी मिलेगा सही मुकाम। जब घर को है सजाना तो एंटीक वॉल क्लॉक ही लाना, जब देना हो किसी को गिफ्ट एंटीक क्लॉक है फिट। विजिट वन एंड ओनली एंटीक वॉल क्लॉक एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। यूज कोड 0007 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। एथनिक, वसंत वाटिका, ज्योति नगर, रिलायंस ट्रेंड्स बाय लेन, ऑपोजिट कॉस्मोस मॉल, सिलीगुड़ी। कॉल 9733307000। इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल स्क्राइबिंग, द अनएक्सप्लोर्ड मेडिकल करियर। लर्न टू बिकम अ पार्ट ऑफ द US हेल्थ केयर सिस्टम, वन एंड ओनली इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड जॉब ओरिएंटेड मेडिकल स्क्राइब एजुकेशन प्रोग्राम। अर्न व्हाइल यू लर्न, 100% प्लेसमेंट गारंटी, लोन फैसिलिटी विद 0% इंटरेस्ट। For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640-90007, www.medicalscribe.co.in.
कुछ दिन आगे जब दार्जिलिंग